वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी साक्षी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एडवांस मेकअप कोर्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो हे गाइस, मैं साक्षी हूँ। मैं मेकअप, स्किन केयर, प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड वीडियोज बनाती हूँ। और अभी मेरे चैनल पर चल रही है एडवांस मेकअप कोर्स की सीरीज, जिसमें मैं आपके साथ सारे एडवांस मेकअप टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। अगर आप फ्री मेकअप कोर्स सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आप मेरे फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस के लिए नोटिफाइड। वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने क्लाइंट की स्किन को पहले मेकअप से पहले कैसे प्रेप कर सकते हो, और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपने क्लाइंट को एकदम फ्लॉलेस बेस दे सकते हो। तो अगर आप देखना चाहते हो कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं और कैसे कैसे आपको वो फॉलो करने हैं, तो आपको मेरी ये पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखनी है। अगर आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ शेयर करो। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको आपकी जो क्लाइंट की स्किन है उसको क्लीन करना है, मतलब उसको एक स्किन प्रेप करना है, उसकी स्किन को प्रेप करना है मेकअप से पहले, जिससे कि उसकी स्किन एकदम हाइड्रेटेड रहे, नरिश रहे, मॉइस्चराइज रहे, और साथ ही के साथ उसके फेस पे जो भी हम मेकअप अप्लाई करने वाले हैं वो उससे भी प्रोटेक्ट रहे। तो सबसे पहले आपको उसके फेस को क्लीन करना है किसी भी मिसलर वाटर से। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का मिसलर वाटर, और आपको लेनी है कॉटन, या फिर आप कॉटन पैड रख सकते हो अपने साथ। यहाँ पे मैं सिंपल नॉर्मल कॉटन यूज़ कर रही हूँ, और इस पे आपको लेना है मिसलर वाटर और उनकी स्किन को अच्छे से क्लीन करना है, जिससे कि उनके फेस पे जो भी डर्ट इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाए। अगर उन्होंने पहले से कोई भी मेकअप अप्लाई किया हुआ है तो वो भी रिमूव हो जाए। तो अच्छे से आपको आपकी जो क्लाइंट है उसकी स्किन के ऊपर इससे क्लीन करना है, जिससे कि उनके फेस पे जो भी मेकअप है वो रिमूव हो जाए और आपको एक नीट एंड क्लीन बेस मिले, जिस पर आप अपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कर पाओ। जैसे कि मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, थोड़ी सी डर्ट इम्प्योरिटी मेरे फेस पे थी वो जो इस कॉटन पे आ गई है। तो यहाँ मैं मेरा ये जो मेकअप रिमूवर है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मेकअप से पहले होता है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, मतलब CTM। तो हमने क्लेंजिंग कर ली है, या तो आपके पास इतना टाइम है कि आप प्रॉपर क्लेंजर से लेके एक मसाज करके उनका जो भी पूरा फेस पे डर्ट इम्प्योरिटी है वो हटा पाओ, से अपने क्लाइंट के फेस को क्लीन करते हो तो इतना ही सफिशियंट है। तो उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो टोनिंग है। तो टोनिंग के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं बायोटिक का बायो क्यूकम्बर टोनर, और इसको भी आपको आपकी क्लाइंट की जो स्किन है उस पर जब आप यूज़ करोगे तो या तो आप कॉटन को यूज़ करोगे या फिर कॉटन पैड को, बट मैं यहाँ अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ तो इसलिए मैं अपने हैंड का यूज़ कर रही हूँ। आपको लेना है और अच्छे से स्किन में प्रेस करना है, जिससे कि जो भी हमारे फेस पे जो भी आपकी क्लाइंट के फेस पे ओपन पोर्स हैं वो थोड़े मिनिमाइज हो जाएँ, उनके जो फेस का पीएच लेवल है वो भी मेंटेन रहे। तो अच्छे से आपको टोनर का आपके क्लाइंट की स्किन के फेस पे प्रेस करना है। आपको टोनर अप्लाई करने के बाद वेट करना है कुछ फ्यू मिनट्स का, या तो आपके पास इतना टाइम है तो आप 1 मिनट का वेट कर सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर सकते हो। तो जैसे कि मेरी स्किन नॉर्मल है, तो आपको जो मॉइस्चराइज़र है वो आपको ऐसा मॉइस्चराइज़र बाय करना है जो कि ऑल स्किन टाइप वालों के लिए जाए। तो जैसे कि मेरी स्किन नॉर्मल है तो मैं कैसा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं कभी कभी मेरी स्किन ड्राई भी हो जाती है, कभी कभी मेरी स्किन ऑयली भी हो जाती है। तो वेदर टू वेदर हर किसी के स्किन का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उनका हमेशा एक ही स्किन टाइप रहेगा। वेदर के अकॉर्डिंग, हमारे सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो हमारे स्किन टाइप है वो चेंज होता रहता है। तो अभी मेरा जो फेस का जो मेरा स्किन टाइप है वो नॉर्मल है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का सुपर लाइट जेल। ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और आप इसको अपने क्लाइंट्स के स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ले रही हूँ ये पॉन्स का सुपर लाइट जेल, ये इसमें हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई है, तो ये बहुत अच्छे से आपके फेस को, आपके क्लाइंट के फेस को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। वरना आप कोई पर्टिकुलर ऐसा मॉइस्चराइज़र रख सकते हो, जैसे कि बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र है, वो भी बहुत अच्छा है, वो सारे स्किन टाइप्स पे जाता है और सारे स्किन टाइप को सूट करता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बायोटिक का हमारा जो ये टोनर है ये हर स्किन टाइप पे नहीं जाता, क्योंकि इसमें इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी को स्ट्रांग फ्रेगनेंस है, एलर्जी है, तो आप उसके ऊपर ये यूज़ मत करिएगा। तो आपको अच्छे से अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र का। ये जो मॉइस्चराइज़र
मॉइस्चराइजर ये बहुत जल्दी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो गई है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्किन हाइड्रेट हो गई है। बट अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए या फिर सीरम अप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो क्योंकि जो हमारे जो मॉइस्चराइज़र होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े छोटे होते हैं, तो वो स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज़ कंपेरिजन टू सीरम, और सीरम के मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं तो वो इतनी जल्दी हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो आपको सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है सीरम का। ये मुझे अब पता चला है, जब से मैं भी पहले सीरम यूज़ करती थी फिर मॉइस्चराइज़र, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। मैंने थोड़ा इधर उधर सर्च किया तो मुझे नॉलेज हुई है, मैंने इसके ऊपर देखा कि बहुत सारे वीडियोज़ देखे, बहुत सारे मैंने स्किन एक्सपर्ट्स को देखा, तब उनकी बातें सुनी, तब मुझे पता चला है कि जो मॉइस्चराइज़र के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और सीरम के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र, उसके बाद अप्लाई करना है सीरम। तो यहाँ जो मैं आपके साथ आज प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम। ये बहुत अच्छा सीरम है, बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देता है और नरिश भी कर देता है। और अगर आपकी क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और उनकी बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्किन है, तो आपको अच्छे से उनके फेस को सीरम से प्रेप करना है। और सीरम लगाने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आपको पहले सीरम को अपने हैंड पे लेना है, उसको आपके हैंड पे ऐसे थोड़ी देर रब करना है जिससे कि जो सीरम है वो एक्टिवेट हो जाए, वार्म अप हो जाए, आपकी जो नेचुरल वार्म है हैंड की, उसके बाद आपको आपके स्किन पे अच्छे से प्रेस करना है इसको। और मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन बिल्कुल हाइड्रेट हो गई है, नरिश हो गई है, बिल्कुल भी ड्राइनेस फ्लेकीनेस नहीं है। और यही हमारे कुछ स्टेप होते हैं मेकअप से पहले, बस सिंपल से 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, इतने ज़्यादा स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करने हैं। आई क्रीम, सीरम और बहुत सारे स्टेप होते हैं स्किन केयर में, आपको वो अपने क्लाइंट्स के ऊपर फॉलो नहीं करने हैं। आपको सिंपल मेकअप से पहले 3 स्टेप फॉलो करने हैं, CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और आपको ऐसे प्रोडक्ट रखने हैं जो सारी स्किन टाइप्स से सूट करें। और आप कोई भी प्रोडक्ट अपने स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने क्लाइंट पे यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले उनको पूछ लीजिएगा कि उनको ये चीज़ सूट करती है या नहीं। अगर नहीं करती है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, और बट आपको उनको प्राइमर ज़रूर अप्लाई करना है। तो यार ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको आपकी क्लाइंट की स्किन को कैसे प्रेप करना है मेकअप से पहले। अगर आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती हूँ आपको मेरे एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।